हेलो दोस्तों वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप ब्यूटी ट्रेंडिंग फैशन और मोमी टॉप की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक की वो है कि गर्भ में पल रहे बच्चे आ, का लिंग परीक्षण कैसे करें गर्भ में जो बच्चा पल रहा है कैसे पता करें कि वो लड़का है या लड़की एक्चुअली तो, होता क्या है ना जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में एक उत्सुकता आती है कि आखिर आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की हर किसी को जानने का मन होता है कि काश पहले ही पता चल जाए कि हमारे घर में जो आने वाला बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर पाएंगे पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे उसको वेलकम करने का तो सारी इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं एक बात मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगी कि, कि लिंग परीक्षण का जो सबसे सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड लेकिन इंडिया में यानी कि भारत में लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड कराना कानून अपराध है आप लीगली नहीं पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं लिंग परीक्षण के लिए अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपके डॉक्टर को आपको और आपके हॉस्पिटल को सजा हो सकती है तो आज की वीडियो में हम पांच ऐसे सिम्टम्स की बात करेंगे जो कि हमारी दादी नानियाँ देख के बता देती थी गर्भवती महिला को कि हाँ इनको लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाला है देखिए मैं पहले ही आपको एक बात बता दूँ कि ये जो लक्षण है ना कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाता है तो ये सिम्टम्स आप ये कह सकते हो कि सौ में से अस्सी परसेंट साठ परसेंट औरतों में देखा जाता है जिससे वो लोग ऐसा मानती थी या एक जो कहते हैं ना कि प्रचलन चलता आ रहा है एक प्रथा टाइप की है कि हाँ अगर ये चीज़ें हैं तो लड़का है ये चीज़ें हैं तो लड़की है तो वो सिम्टम्स लोग देख के बता देते थे कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है लड़का है या लड़की कई बार ये काफ़ी हद तक सही होता है कई बार ये गलत भी हो जाता है तो ये थी सारी कहानी अब हम बात करेंगे पांच ऐसे सिम्टम्स की जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रेग्नेंट महिला को गुस्सा आना जी हाँ गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट औरत को बार बार गुस्सा आ रहा है कई बार वो आक्रामक हो जाती है मतलब देखिए कई बार तो नॉर्मल गुस्सा आता है जो बातें बिल्कुल गुस्सा लायक नहीं होती हैं उस पर भी अगर आपको चिड़चिड़ा मच रहा है या फिर कई बार इतना हद तक गुस्सा आता है कि मन करता है सर फोड़ दें सामने वाले का या खुद का सामान फेंक दें तो अगर नॉर्मल गुस्से से लेके इतना आक्रामक गुस्से तक आपको आ रहा है और ऐसा वाला बिहेवियर आपका प्रेगनेंसी से पहले नहीं लेकिन था प्रेगनेंसी, 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 प्रेगनेंसी प्रे... से पहले आपका जो भी बिहेवियर रहा हो इतना गुस्सा नहीं आता हो लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको इस लेवल तक गुस्सा आ रहा है तो ये एक सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है एक्चुअली इस गुस्से को अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो गुस्से को कनेक्ट किया जाता है एक मेल हारमोन से और हम सबको पता है कि फ़ीमेल से ज़्यादा मेल हारमोन्स जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको गुस्सा जल्दी आता है इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके गर्भ में बेटा है तो आपका भी रूप थोड़ा सा आक्रामक हो सकता है आप थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेग्नेंट औरत का पसंदीदा स्वाद जी हाँ स्वाद को देख के उसके पसंदीदा स्वाद के पैटर्न को खाने के पैटर्न को देख के भी हम कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को मीठा चॉकलेट और बिस्किट हुए या पेस्ट्री हुए केक वगैरह ये सब चीज़ें आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो इसी चीज़ को कनेक्ट किया है कि अगर आपके गर्भ में बेटी हुई ना तो आपका जो स्वाद होता है उस टाइम पे जो पसंदीदा खाना होता होता है है वो मीठा ज़्यादा ज़्यादा आप मीठे की तरफ अट्रैक्ट हैं जबकि अगर आपके गर्भ में बेटा होता है तो आपको चटपटा तीखा नमकीन खाने का मन होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके प्रेगनेंसी का क्या एक्सपीरियंस रहा अगर आपके पास ऑलरेडी बेबी बॉय या बेबी गर्ल है और अगर आप प्रेगनेंट है तो आपके खाने मतलब आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है खाना मीठा या फिर तीखा तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि प्रेग्नेंट महिला का यानी गर्भावस्था के दौरान जो औरत की एनर्जी का लेवल क्या है जी हाँ आपकी आपकी फूर्ति देख के आपकी एनर्जी का लेवल देख के भी पता किया जा सकता है कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है ऐसा माना जाता है कि अगर आपको सुबह उठने के मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस तो हर किसी को रहता है चाहे आपके गर्भ में बेटा हो या बेटी सिकनेस की बात नहीं कर रही हो मॉर्निंग सिकनेस तो दोनों को ही रहती है अगर लड़का हो गर्भ में या लड़की हो दोनों को मॉर्निंग सिकनेस रहता है लेकिन अगर आपको पूरे दिन में आ, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में और पूरे टाइम की मैं बात कर रही हूँ आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है आपको उतना आलस नहीं आता जितना आना चाहिए मतलब अगर गर्भ में बेटी होती है तो ज़्यादा आलस आता है वहीं अगर आपके गर्भ में बेटा होता है तो आलस कम आता है शुरू शुरू में मॉर्निंग सिकनेस में थोड़ी बहुत आलस आता है लेकिन जब आप दिन में अपने रूटीन में एंटर करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है आप छोटी छोटी बातों पर थकते नहीं हैं तो अगर आपको छोटी छोटी हाथों तो पे थकान नहीं हो रही है हमेशा सोने का मन नहीं हो रहा है आपका जो फुर्ती लेवल है या एनर्जी लेवल है वो हाई है तो कहते हैं ये एक गर्भ में लड़का होने का संकेत देता है वहीं अगर आपका फुर्ती लेवल या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल डाउन है तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़की है नेक्स्ट चीज की मैं बात करूँ तो वो है आपके शिशु का एनर्जी लेवल जी हाँ आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका एनर्जी लेवल कितना है ज़्यादा है या कम है इसको देख के भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की ऐसा क्या कहा जाता है कि लड़की का जो वेट होता है और आकार होता है वो लड़के से कम होता है ठीक है वेट में भी वो कम होती हैं और आकार भी छोटा होता है तो अगर लड़की का आकार छोटा है वेट कम है तो वो उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है उसका हलचल मूवमेंट ज़्यादा होता है वहीं अगर आपको कम मूवमेंट फील हो रहा है मतलब बच्चे की जो हलचल है हिलना डोलना तैरना तो अगर ये कम है उसका मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे लड़का लड़की में तो अगर आपको हलचल कम महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा हिलना डोलना महसूस नहीं हो रहा है मैं नाइन मंथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं स्टार्टिंग के मंथ्स की फिफ्थ मंथ में आपको हलचल महसूस होता है तब की बात कर रही हूँ क्योंकि नाइन मंथ आते आते तो दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं चाहे बेटा हो या बेटी हो क्योंकि उनको स्पेस कम मिलता है है, वो काफ़ी मतलब फुली ग्रोन ग्रोन अप हो चुके रहते हैं डेवलप हो चुके रहते हैं तो उनको स्पेस कम मिलता है तो आप इन बच्चों के हलचल को भी देख के महसूस कर सकते हैं पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की अगर हलचल कम है तो फिर लड़का अगर हलचल ज़्यादा है तो लड़की है नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है गर्भवती महिला के हाथ हाथ दिख के भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भवती जो महिला है उसके पेट, पेट में लड़का है या फिर लड़की ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में लड़का होना तो आपके हाथ की हथेलियाँ जो है वो सुस्क हो जाती हैं बहुत सारी लकीरें दिखना शुरू हो जाती हैं अगर हाथ रूखे सूखे होंगे सुस्क होंगे तो आपकी हथेलियों में लकीरें साफ साफ दिखने लगती हैं तो ऐसा ही माना जाता है कि अगर आपके हाथ की हथेलियाँ जो है काफ़ी ड्राई हो गई हैं सूखी हो गई हैं आप कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं आपको उतना अच्छा फील नहीं होता उतना अच्छा मॉइस्चर नहीं फील होता हाथ में तो कहते हैं ये एक लड़का होने का संकेत देती है वहीं अगर आपके हाथ सॉफ्ट हो गए हैं मुलायम हो गए हैं अच्छे लगने लगे हैं दिखने में अच्छा हो गया है तो कहते हैं ये एक लड़की होने का संकेत है तो इस तरीके से अपने हाथ का मॉइस्चर देख के अपनी हथेलियाँ देख के भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने बात की पांच ऐसे सिम्टम्स की ऐसे लक्षण की जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय